सो गुड आफ्टरनून गाइस, और स्वागत है आप सभी का एक नए वाले ब्लॉग में। अब तक आपने इस चैनल पे बहुत सारे हॉस्टल देखे होंगे। आपने कपिला देखा, आपने मेरा ये वाला हॉस्टल जहाँ पे मैं करंटली रहता हूँ वो वाला आपने देखा होगा। आपने नए वाले हॉस्टल्स भी देखे होंगे, लेकिन आज पहली बार हम देखने जा रहे हैं मैरिड हॉस्टल्स। हमें आज इन्विटेशन मिला है, हमारे जो सीनियर है उनको वहाँ पे अलॉटमेंट मिली है, तो बस अब वहाँ जाएंगे और मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से मैरिड हॉस्टल दिखता है IIT हैदराबाद के कैंपस में, जो अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया था 1 साल पहले। तो भाई वजह है ऑलमोस्ट एक, अभी मैं रुका हूँ निखिल के लिए और फिर निखिल के साथ मैं चला जाऊँगा मैरिड हॉस्टल्स में, तो सीधा भाई आपको मिलता हूँ। तो भाई हमारे साथ बने हुए निखिल और देवव्रत, हम जा रहे हैं अभी मैरिड हॉस्टल और सामने क्रिकेट का टूर्नामेंट है, टेनिस बॉल का, 4 दिन के लिए होने वाला है, ग्राउंड में चल रहा है। फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, कुछ सामान लेना है हमको। अनफॉर्चुनेटली हमने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, मेरी बहुत अच्छी इच्छा थी। हाँ, हमको पार्टिसिपेट करना था, हमारी टीम के कुछ मेंबर घर गए हैं के लिए। अभी हमारा स्टेज 1 ख़त्म हुआ था दिसंबर में, जिसके कारण हमको वक्त नहीं मिला है। ए यार ये बंद है, संपूर्ण जाना पड़ेगा। और सामने बस आ रही है, नहीं ये बस जाएगी शायद से नए हॉस्टल में। तो भाई अभी निकलते हैं, ये मेरा हॉस्टल यहाँ पर, आगे से चल के जाएंगे, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, देवव्रत ने कहा सजेशन है। बढ़िया हुडी पहन के आए हैं आज, वैसे ठंड यहाँ पे फिलहाल हैदराबाद में काफ़ी बढ़ चुकी है। इनिशियली तो 26-27 चल रहा था अभी, लेकिन यहाँ पे 16 डिग्री का तापमान चल रहा है। तो भाई स्वागत है, हमारे केसी ब्रो यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये कुछ इस तरह से मैरिड हॉस्टल दिखता है भाई, और डस्टबिन वस्टबिन का अरेंजमेंट नीचे रखा है, और कार पार्किंग यहाँ पे अवेलेबल है। तो भाई ये है, कुछ इस तरह से दिखता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में पार्किंग है। फिलहाल अभी हम जाएंगे, पता नहीं कहाँ से जाना है, किसी को पता है तो चलो घूमते हैं, थोड़ा घूम लेंगे कहाँ से जाना है। भाई यहाँ से एंट्री मारते हैं, हमको भी पता नहीं, पहली बार आ रहे हैं। देवव्रत ढूंढ रहे हैं, बहुत स्पेशियस है, और लिफ्ट मिल गई है भाई हमको। अच्छा तो चलो ये लिफ्ट से अंदर जाएंगे। भाई जाना है हमको 9th फ्लोर पे, तो टोटल 10 माले का बिल्डिंग है, दो स्क्वायर है। आज पता नहीं देवव्रत को क्या हो गया भाई, चलो जाते हैं यार, ये 902 है, 903। अच्छा नहीं लगता है भाई, एंटर कर रहे हैं गलत बोर्ड में आ गए। कुछ है क्या यहाँ पे कनेक्टिविटी? हाँ यहाँ से कनेक्टिविटी है। तो भाई आ गए हैं यार, बढ़िया है यहाँ पर। ओ यार ये देखो सामने, बढ़िया बनाया है यार इसको। अरे इधर एक खाना बना रहे क्या हम लोग? ये आर मेकिंग फूड यार। ओ वी आर इन द राइट प्लेस राइट नाउ। यही रूम है क्या? वेयर इज द एंट्री? एंट्री दैट साइड इज द एंट्री सेंटर। ओके देन वी विल गो फ्रॉम देयर। नो यू कैन गो एनीवेयर, एंट्री चाहिए ना, दैट इज द एंट्री, दैट इज द एंट्री। ओ सो भाई यहाँ से आप व्यू देख सकते हो भाई, बढ़िया व्यू है यहाँ से। 9th फ्लोर पे आए हम लोग। फाइन गुड यार, या इट्स वेरी नाइस नो, यू कैन सी एवरीथिंग फ्रॉम हियर।
तो वो देखो TIP टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पार्क, जिसका व्लॉग मैंने अभी रिसेंटली डाला है लास्ट टाइम, उसको ज़रूर जाके देखना। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वही देख सकते हो पीछे वहाँ पे हमारा ओपन एयर थिएटर, उसका भी मैंने व्लॉग डाला है, ज़रूर जाके देख लेना। वही इसके बारे में तो बाद में बताता हूँ, फिलहाल अभी अंदर जाते हैं, निकल निकल आए हैं तो देख सकते हो भाई ऐसा कुछ रूम दिखता है। हाय 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 भाई, एंट्रेंस वहाँ पे थे, हम गलत जगह से एंटर किए। इतना सही रूम है भाई, 1 BHK अंदर से अच्छे वॉशरूम है। और यार को भाई, यार को भैया बढ़िया खाना वाना बना रहे हैं। हाँ, पनीर बन चुका है पर कृष्णा के लिए, और भी स्पाइसी बनाना है तुम्हारे लिए भी। बना दो बना दो भाई, ताकि कल याद आए तुम। बराबर। और यहाँ पे कुछ अलग ही बना रहे भाई, यहाँ पे चिकन विकन बन रहे इधर। नो वी शुड प्लान एवरी तो भाई खाना वाना बढ़िया बन रहा है। अरे हमको बोलते तो हम भी आ जाते थे, काट लेते थे। मैं उनको बोला ना, तुम बोलना चाहिए था ना सुबह, हम लोग फटाफट काट के हेल्प करने आ जाते थे। यार यार फ्राइड अनियन यार बहुत सही लग रहा है भाई, बढ़िया खाना बना रहे। देवव्रत काम पे लग गए हैं हमारे, और दे देखो ठूस रहे यहाँ पर आके पूरा भाई। एक बार आपको बाहर से देखेंगे इसको, देखेंगे यार। तो भाई कुछ इस तरह से एंट्रेंस दिख रहा है, और यहाँ पे एक लिफ्ट है, वहाँ पे एक लिफ्ट था, और वो लेडर है आने जाने के लिए। और इसको पुश करके एक बार देखते क्या है कुछ बाहर। यहाँ पे एक लेडर है सॉरी, और वो जो है वो कॉमन एंट्रेंस है, मतलब आप यहाँ से वहाँ जा सकते हो कुछ इस तरह से इंटर एग्जिट करने के लिए। तो बढ़िया है भाई, जाते हैं अंदर। और एक बेल दिया है यहाँ पर, स्पीकर वीकर भी है ऊपर देख सकते हो आप। आई भावना, हाउ आर यू? यहाँ पे भावना भी आई है, सिर्फ खा रहे हैं, सब ठूस रहे बैठे बैठे। बढ़िया है, वॉश बेसिन दिया है काम करने के लिए, वहाँ पे वॉशरूम है। और बाहर आने पे नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है भाई, देख सकते हो भाई बढ़िया लग रहा है वैसे ही यहाँ से। और जैसा आपको बतानी हो अगर मैं बताऊँ तो ये सामने जो है वो एडमिन ब्लॉक है, वो हमारा बड़ा सा लाइब्रेरी बन रहा है। उसके बाजू में आप देख रहे हो वो है शायद से लिबरल आर्ट्स, उनका कुछ है जितना मुझे पता है। और ये शायद से डिज़ाइन का डिपार्टमेंट बन रहा है। और इनके पीछे जो है एक कॉम्प्लेक्स लेक्चर हॉल बनने वाला है मेरे MSME बिल्डिंग के पीछे से, काफ़ी अच्छे से दिख जाता है वो, अगर जाते समय वक्त मिला तो दिखा दूंगा। तो यार बढ़िया है, तो भैया आज खाना बना रहे हैं हमारे लिए, तो क्या बनाने वाले हैं? सब लोग मिलकर बना रहे हैं। हाँ जो भी है, मैं मटर पनीर बना लिया। अच्छा, अभी गोभी आलू फ्राई होगा। okay. जो कि देवव्रत बनाएगा बोला है। अच्छा ठीक है, हम उसको ऑप्शन दे रहे, चांस दे रहे। बस कहाँ गया देवव्रत, कहाँ गया देवव्रत? हाँ। अरे ये सही है, विंडो विंडो भी दे क्या बड़ा सा। और ये क्या अंदर वॉशरूम है क्या? भाई एक बार दिखा देता हूँ यार, बढ़िया सा वॉशरूम, छोटा है लेकिन सही है, शावर दिया है सेंटर में। तो यहाँ पे भी गर्म पानी शायद से वहाँ सोलर से आता है। और ये स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे दिया है, तो बढ़िया है। अभी इससे टेम्परेचर बढ़ेगा, इससे घटेगा, ठीक है? बेस कितना फ्लेम हीट चाहिए उसके हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाना है। सब मेरे को दिखाई देना चाहिए, क्या चाहिए तुम बोलो तो सही, तुमको क्या क्या चाहिए तो हम इसके हिसाब से। और ये और हल्दी पाउडर इधर के, मिर्च इधर की जरूरत है, मिर्च पाउडर देख लिया, डोंट वरी यार देर। अच्छा तेल मिल गया, वो भी क्या, तेल आ गया, तेल आ गया। और भाई चम्मच तेरे पास तो पड़ा, उससे नहीं पकाते नॉन स्टिक। पानी नहीं है, तेल। हां बस गोभी कितना है? बहुत है, बहुत ज्यादा हो गया यार। आलू अभी, अभी आलू
निखिल तो चबा रहे हैं यहाँ पर। कैसा शेफ बनेगा तू? अदरक नहीं डालूंगा भाई, अलग लेवल के शेफ है ये। खास हमने ओडिशा से मंगाया है इनको। बस टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और खा रहे हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं कर रहे। इंडक्शन देखो जल्दी लग जाता है। जल्दी जल्दी देखो यार, गोल्डन फ्राई करना है इसको। तो यहाँ पे सच्चे आलू को भी टाइम लगेगा यार, मतलब फिर आलू पहले पूरा पकाएंगे नहीं, जस्ट फ्राई करके इसको डाल के थोड़ा सा पानी देके ढक्कन डाल देंगे। अच्छा अच्छा ओके ओके चलो सही है फिर। और यहाँ पे आलू डालते हुए भाई फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे। वो भी बना सकते थे यार, सही था। अदरक डाल मत भाई, आलू समझ के, वो भी ऐसी लग रहा है एकदम चला जाएगा। बढ़िया, यहाँ पे कढ़ाई अच्छा रहता है, कढ़ाई अच्छा रहता है इसका, ठीक है। पैन हो, पैन टाइप का, पैन डीप कढ़ाई। तो यहाँ पे हमारा वाला खाना बन रहा है देखो। यहाँ पे मैडम ने चिकन बनाया है हमारे लिए, और एक मिनट इसको डालेंगे यहाँ पे, अभी अच्छा ही बनेगा भाई। बढ़िया सा चिकन आ रहा है, स्मेल अच्छा आ रहा है इसका। देवव्रत की स्किल्स देखेंगे हम भाई, उसके लिए हमने गैस थोड़ा इंडक्शन आगे ले लिया। अरे वाह, हल्दी थोड़ा कम नहीं लग रहा तेरे को? ये भी बहुत है, लाइट कम पड़ रही है इसलिए थोड़ा आगे लेना। नहीं, हाथ पहुंच नहीं रहा था वहां तक। हाँ, वो तो पहुंचना जरूरी है ना अच्छे से करने के लिए। अरे हल्दी कम हो जाएगा, ये अभी जाना बाकी है, हल्दी बैलेंस आउट हो जाएगा। ओहो हो, तो रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस करेंगे हम। ओके okay. भाई हमारा डिश तो रेडी हो गया है। 5 मिनट कितने लगे यार को भैया? 5 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट में बॉयल हो गया है, बॉयल बस 5 मिनट में बन जाएगा। तो भी जाएंगे भाई के रूम पे देखेंगे यार। So, भाई हमारे बांग्लादेश से है, ढाका से। oh, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और अभी हमें इनवाइट किया उन्होंने अपने रूम पे आने के लिए। Oh my, it's my pleasure to have you in my flat. But yeah, but we're gonna have lots of fun. So, आप सिविल डिपार्टमेंट से? It's my, I'm just concluding my second say yes. Oh, सही है, सही है। चलिए, अरे साथ नहीं आ रहे हम। ये है इनका घर भाई, जाएंगे क्या? तो भाई इनका घर कुछ इस तरह से दिखता है, बढ़िया है। Nothing is there, only I am. Yeah. अच्छा आप फिलहाल अकेले हो क्या? Yeah, okay. My wife is still here, but right now she's not here. So how's your experience staying in this? Actually, I was staying in camp hostel for first 1 year. Okay. It was good, but this is another environment. This is very calm place, cool place. Yeah. Very good to study actually. There are very less time to spend or available time to other work. But yeah, here mostly I'm working, studying. Yeah, okay. It's good. So you make your own food, right? Yeah, I make my own food. I have refrigerator. Sometimes I cook and freeze it. Oh, then I warm it and eat it. Yeah. Yeah. Thank you, bro, for inviting us. Yeah. It's my pleasure to have you. तो यहाँ पे आपको भैया हमारे फ्राइड चिकन बनाते हुए। हमको मालूम नहीं है रेसिपी, ये लोग बना के रखे हुए हैं। बस हमको अभी तलना है इसको बस, पर बढ़िया लग रहा है भाई देख के उसको। खा के देख रहे कैसा है टेस्ट भाई, पते बढ़िया है। चलो सही है। तो इधर ऑमलेट हमारा रेडी हो चुका है, मस्त एक दिन काट रहे अभी, एकदम जबरदस्त। वाह क्या कटिंग है, इसको डिश कटर में डालना चाहिए था। डिश क्या, प्रिसीजन कटर में डाल दो, छोटा छोटा टुकड़ा करके। अब बोलो, नहीं अभी अभी तुम बोलो यार, आज तो देवव्रत बोलेगा। भाई देवव्रत ने सब्जी बनाए, इसको मैं टेस्ट करूंगा, पहले देखूंगा किस तरह से बनाए। गोभी आलू, और क्या है? तो यहाँ पे घी राइस है,
उसके बाद ये क्या सलाद जैसा बना है, उसके अंदर नीचे क्या है भाई, इसके ना इसके नीचे क्या है, अच्छा गोभी आलू है, वो चिकन है भाई, और कुछ कोल्ड ड्रिंक है और ग्लासेस रखा है, आमलेट हमारा रेडी हो गया है, बस खत्म। तो हमारा खाना भी आ गया है भाई, सब बैठेंगे खाएंगे साथ में, चलो चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ तो धो के आएंगे, फोटो वोटो निकालो यार, बढ़िया लग रहा है सबके साथ बैठ के खाने के लिए। बढ़िया माहौल यहाँ पर होते हुए हमको मिला है यहाँ पर खाना, तो वेज वालों के लिए बनाया है देवव्रत ने कुछ। बोलो किसी भाई, ओके ओके दिस टेक यार, ये हमारा दे दो फ्राइड, यू वांट, ओके बहुत सारे वेजिटेरियन बैठे हैं वहाँ पर। और क्या है, और इधर हमारा फ्राइड चिकन भाई, तो भाई बढ़िया है यहाँ पे रोटी, फ्राइड चिकन, ऑमलेट, ये देवा ने बनाया है, ये पनीर पता नहीं किसने बनाया है, फिर घी राइस और ये चिकन करी है, और आप एक रायता है, कोल्ड ड्रिंक है, बस खाएंगे और फिर आपको मिलता हूँ। तो भाई खाना तो हो गया खाके, बढ़िया बनाया भाई देवव्रत का खाना खाके, अच्छा लगा। तो क्या लगा हैदराबाद आएंगे वापस, तो नहीं बात बढ़िया था ना, तुमने खाना अच्छा बनाया था, बस सही काम किया तुमने भाई, लोगों ने सराहा है तुम्हारा खाने को, तुम्हारे अगर सबको सबको तुम्हारा खाना बहुत अच्छा लगा, देखो सब बोल रहे तारीफ कर रहे हैं। जब रेस्टोरेंट में बिल पे नहीं करना पड़ता मेरे को बहुत पैसे आए तो ये काम करना पड़ सकता है आपको, काफी अच्छी तरीके से धोया जा रहा है बर्तन को, ये आदत है मेरे को धोने का, देख सकते हैं आप चमक रहे हैं, बर्तन चमका नहीं, ये मुंह दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है भाई, दिख रहा है दिख रहा है। तो भाई फाइनली खाना खाके हो गया कुछ इस तरह से, हमारा ये रूम दिखता है भाई, देख लेते एक बार, यहाँ पे एक रूम है, वहाँ पे एक लिविंग है और एक किचन कुछ इस तरह से दिखता है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस इतना ही किचन है, और वो डोर वहाँ पे अभी हम जाएंगे थोड़ा, और ये सामान थोड़ा देखे आएंगे नीचे। तो भाई कुछ इस तरह से था ये मैरिड हॉस्टल, और बढ़िया लगा आज भाई देवव्रत के हाथ का खाना खाया हम लोगों ने, मतलब जो टेस्ट था ना सच में खाना अच्छा था। निखिल कैसा था देवव्रत का खाना? देवव्रत ने काफी अच्छी गोभी आलू की सब्जी, पहली बार मैंने इतनी अच्छी सब्जी खाई गोभी आलू, वही तो एकदम मतलब करता था, उसको बुरा लग रहा है, मतलब उसको लग रहा है कि अच्छा नहीं बना, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग सही था, रेस्टोरेंट जैसा फील आ रहा था और बढ़िया था यार। पनीर थोड़ा पका हुआ नहीं था बट ठीक है, अलग अलग पनीर था, लेकिन चिकन सही था, चिकन ग्रिल्ड चिकन भी सही बढ़िया बनाया था, और बाकी यार बढ़िया था, खाना सही था। एंड थैंक यू जगत प्रिया फॉर कॉलिंग अस, एंड इट वाज वेरी वंडरफुल फॉर अस टू बी पार्ट इन योर हाउस टुडे, और मज़ा आया सबके साथ इंटरेक्ट करके। तो बस अब ब्लॉग को ही ख़त्म करेंगे, देख सकते हो भाई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे, जैसे जैसे मैंने डिपार्टमेंट पहले बताया था, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है IIT हैदराबाद के कैंपस में। तो बस इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको एक नए वाले ब्लॉग में।